यस गुड मॉर्निंग क्लास फोर। आज हम पार्ट 12 पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट की बुक निकालिए सभी, पेज नंबर 73। कविता है बहुत अच्छी, ठीक है। पेड़ पेड़ कविता है। कवि इसमें पेड़ की महत्ता को बता रहा है कि पेड़ क्यों जरूरी है। पेड़ जरूरी है ना? हाँ, तो पेड़ क्यों जरूरी है, कवि ने इस पूरी कविता के माध्यम से बताया है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड़ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कविता पढ़ेंगे हम। पेड़ नहीं तो सांस नहीं, पीने की फिर आस नहीं, ठीक है। यहाँ कवि कह रहा है कि पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस कैसे ले पाएंगे, यानी हमारा जीवन बिल्कुल संभव ही नहीं है यदि पेड़ ना हो तो। क्यों? क्योंकि पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन, है ना, जिससे हमें सांस लेने में आसानी रहती है, हम अच्छी सांस ले सकते हैं। क्योंकि सांस नहीं आएगी तो हम ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएंगे। हम हवा, पानी या भोजन के बिना तो थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन हम सांस के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। जीने की फिर आस नहीं, फिर तो जीने की भी आशा नहीं है। आस मतलब आशा, यानी उम्मीद, यानी कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी कि पेड़ के बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन क्या है, जीवन नहीं चल सकेगा। तो इससे कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी हमारी जीने की। आंगन तुलसी घर पर नीम, नहीं जरूरत पड़े हकीम। कवि कह रहा है कविता में कि आंगन, हर घर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाए, है ना, या घरों पर क्या है, नीम जैसे पेड़ घर पर या घरों के आसपास कहीं भी ऐसे पेड़ अगर होंगे तो हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हकीम की। हकीम मतलब चिकित्सक, यानी जो इलाज करता है ना, डॉक्टर। चिकित्सक मतलब डॉक्टर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में चिकित्सक। तो हकीम यानी ऐसे पेड़ पौधे यदि हमारे आसपास रहेंगे और इनका हम रोज सेवन करेंगे, निरंतर सेवन करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पत्तों में औषधि होती है, दवाई होती है। दवाइयां भी जो बनती है वो इन्हीं के पत्तों से बनती है, जड़ी बूटियों से बनती है, ठीक है। तो ये बहुत गुणकारी पेड़ पौधे हैं, तुलसी नीम जैसे पौधे। यदि इनके पत्तों का हम निरंतर सेवन करेंगे तो हमें कभी भी किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चिकित्सक की, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे कोई रोग भी पास नहीं आ सकेगा, हम तुरंत तैयार हो जाएंगे। करते हो अगर अपनों से प्यार तो पेड़ लगाओ हजार। कवि कह रहा है कि आप भी अगर अपने अपनों से, घर के हर सदस्यों से प्यार करते हो, आपको उनकी चिंता है, परवाह है, तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुत सारे, खूब सारे पेड़ लगाने होंगे। क्योंकि आप अगर अपनों से प्यार करते हो तो खूब सारे पेड़ लगा के उनके जीवन को बचा सकते हो। वृक्ष बिना धरती है ऐसे, रक्त बिना मानव हो जैसे। कवि कह रहा है कि वृक्ष यानी पेड़, कि बिना पेड़ के तो धरती कैसी रहेगी, धरती हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी, जैसे मानव, हम मनुष्यों में रक्त ही ना हो, यानी खून ही ना हो, यानी हम में खून ही नहीं बचेगा तो हम कैसे हो जाएंगे, वैसे ही ये धरती पेड़ के बिना हो जाएगी, यानी हम भी बचेंगे नहीं यदि हम में खून नहीं होगा तो, है ना, हम भी मर जाएंगे, हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वैसे ही पेड़ के बिना ये प्रकृति भी क्या है, नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी भी क्या है, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बिना वृक्ष की धरती नहीं बचेगी। जो पेड़ है वही इस प्रकृति को चला रहे हैं। हमको चाहिए शुद्ध हवा, वृक्ष लगाना सही दवा। कवि कह रहा है कि हमको अगर अच्छी अच्छी वायु चाहिए, अच्छी अच्छी शुद्ध, शुद्ध मतलब स्वच्छ, एकदम साफ 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 हवा चाहिए, तो इसका यही उपचार है, यही उपाय है। क्या उपाय है?
पेड़ लगाना, कि यदि हम पेड़ लगा के उपाय करें तभी क्या होगी, हमको शुद्ध हवा मिल सकेगी। ठीक है। जादू टोना वैद्य हकीम यमराज के हैं ये मुनीम। कवि कह रहा है कि ये सब, ये यमराज के मुनीम किसको बताया है, कि जो जड़ी बूटी का चिकित्सक हो। हकीम मतलब चिकित्सक, और वैद्य, वैद्य मतलब जो इन जड़ी बूटियों का ज्ञान जानता हो। जड़ी बूटी यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे कौन सी औषधि बनाई जाती है, किस रोग में कौन सा पौधा पेड़, कौन से पेड़ की जड़ी बूटी या पत्तियां हेल्प करती है, सहायता करती है। तो ये सारी जानकारी, ये सारा ज्ञान किसको होता है, वैद्य को होता है, जो जड़ी बूटियों के बारे में जानता है। तो वैद्य हकीम यानी उसी के जादू टोने से सब तैयार हो जाते हैं। किसके जादू टोने से, जो इन जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता है, और उन दवाइयों से वो अनेक प्रकार के रोगों से हमको बचाता है। तो वो क्या है, ऐसे वैद्य क्या है, यमराज के भी मुनीम कहलाते हैं। जहां खड़े हो पेड़ कोतवाल, वहां प्रदूषण का नहीं सवाल। कवि कह रहा है कि जहां पर खड़े मतलब जहां पर पेड़ खड़े हो, पेड़ खड़े हो, कोतवाल, कोतवाल मतलब देखिए, कोतवाल मतलब होता है सिपाही। सिपाही मतलब किसके लिए कहा गया, सिपाही यानी रक्षा करने वाले, सिपाही देश की रक्षा करते हैं। तो वैसे इन पेड़ों को भी एक कोतवाल बताया गया, कोतवाल यानी सिपाही जो इस हमारी रक्षा करता है। ठीक है। जहां खड़े हो पेड़ कोतवाल यानी पेड़ हमारी रक्षा के लिए खड़ा हो जहां पर, धरती पर, तो वहां फिर प्रदूषण, प्रदूषण का तो सवाल ही नहीं होगा। वहां प्रदूषण कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि अच्छी अच्छी हवा, पेड़ जो होते हैं वो हम मानव जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हानिकारक गैसें हम छोड़ते हैं कोई भी, है ना, गाड़ियों के धुएं से या प्लास्टिक के कचरे से या जितनी भी मतलब हानिकारक गैसें होती है, तो पेड़ क्या करता है, पेड़ उनको ग्रहण करता है और उसके बदले हमको कौन सी गैस देता है, शुद्ध गैस देता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह क्या है, प्रदूषण से हमको बचाता है पेड़। रोटी कपड़ा और मकान सबका दाता पेड़ महान। कि पेड़, पेड़ के कार्य बहुत है। पेड़ हमें रोटी भी देता है, कैसे, यानी खाने के लिए भोजन हमें पेड़ से मिलता है, जैसे फल सब्जियां, है ना, तो ये खाने के लिए हमें पेड़ों से मिलता है। कपड़ा, व्यक्ति पहले क्या करते थे, इनके पत्तों से अपने शरीर को भी ढक लेते थे, है ना, सर्दी गर्मी इनके पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे। तो कपड़ों का यूज भी हो जाता था इनके पत्तों से, और इनकी जो लकड़ियां होती है उनसे वो बरसात, सर्दी, गर्मी से बचने के लिए अपना मकान बनाते थे, है ना। तो लकड़ियों से मकान भी बन जाते हैं, झोपड़ियां बन जाती है। तो इस तरह ये तीनों ही चीज खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए, ये सब चीजें हमें पेड़ से मिल जाती है। यानी सब देने वाला कौन है, दाता मतलब देने वाला, सबका दाता पेड़ महान, कि महान पेड़ ही है ये सब देने वाला, सब चीजें देता है हमको। बढ़ती आबादी घटते पेड़, अब तो मानव जल्दी चेत। कवि कह रहा है कि जो बढ़ती आबादी, बढ़ती आबादी किसके लिए कहा गया है, जनसंख्या वृद्धि के लिए। जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो अधिक से अधिक जंगलों की तरफ लोग क्या रहने के लिए निरंतर जंगलों में वृक्षों की कटाई करते रहेंगे और वहां अपने घर बनाते रहेंगे। क्यों, क्योंकि लोगों के रहने के लिए जगह नहीं होगी, जगह नहीं बचेगी तो लोग क्या करेंगे, फिर पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देंगे और वहां पर अपना रहने का स्थान बनाने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, निरंतर क्या होगा, पेड़ों की कमी आ जाएगी, पेड़ पौधों की कमी आ जाएगी। तो बढ़ती आबादी घटते पेड़, तो पेड़ों की संख्या घट जाएगी यदि जनसंख्या वृद्धि रहेगी तो। अब तो मानव जल्दी चेत, चेत मतलब सावधान हो जा। कवि कह रहा है कि हे मानव, हे मनुष्य, अब तो तू जल्दी सावधान हो जा, जनसंख्या वृद्धि के उपाय, नियंत्रण सब करने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि इससे क्या है, पेड़ घटेंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं हो सकेगा, हमें ऑक्सीजन कौन देगा इसके बिना।
आज हमारा नारा है वृक्षारोपण अभियान हमारा है। कवि कह रहा है अंत में कि हे मानव, हम सबको मिलजुल करके क्या है, हमारा एक ही नारा होना चाहिए। हम सबका नारा यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। वृक्षारोपण मतलब वृक्षों को लगाना, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना ही क्या है, हमारा अभियान होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि ऐसे अभियान लेकर के हम लोगों को सावधान करके, है ना, तो हमारा नारा ये होगा अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, और हम सबको सावधान करके चलेंगे कि यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। और पेड़ पौधे हमें घर के आसपास क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि इनसे हमें औषधि मिलती है, ये औषधि का काम करते हैं, क्योंकि इनके सेवन से हर रोग हर बीमारी चूमंतर हो जाती है, ठीक है। और जानकारी कौन रखता है जड़ी बूटियों के बारे में, डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक, है ना, वैद्य जो होते हैं वो इसकी जानकारी रखते हैं। तो हकीम की जरूरत हमको कब नहीं पड़ती, हकीम मतलब डॉक्टर की जरूरत कब नहीं पड़ती हमको, जब हम आसपास अपने तुलसी नीम जैसे पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ हमको क्या क्या देते हैं, पेड़ हमको रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों ही चीजें देते हैं। पेड़ों के घटने का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, यानी बढ़ती आबादी। पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें घर घर जाकर गली गली में ये नारा लगाना चाहिए, वृक्षारोपण का अभियान हमको लेकर के चलना चाहिए, है ना, लोगों को सावधान करना चाहिए इसके प्रति कि वृक्षों को ना काटा जाए, क्योंकि हम यदि अपनों से प्यार करते हैं तो हमको पेड़ लगाने जरूरी है, खूब सारे, ठीक है। वृक्ष के बिना धरती कैसे हो जाती है, वृक्ष के बिना धरती जैसे मानव रक्त के बिना होता है, जैसे मानव रक्त के बिना होता है वैसे ही धरती हो जाएगी वृक्ष के बिना, ओके। यमराज के मुनीम कौन है, किसको कहा गया है, वैद्य हकीम, यानी जो जड़ी बूटियों के बारे में जानता हो, ओके, थैंक यू।